और राजधानी रायपुर में कुकुरबेड़ा की सॉफ्ट गेम प्लेयर गंगा सोना 19वां एशियन गेम्स भारत के लिए खेलेंगी। दरअसल चीन में सितंबर में 19वां एशियन गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गंगा का नाम भी शामिल है। महज 19 साल की गंगा अपने भाई के सपनों को पूरा करना चाहती हैं और खुद की जान जोखिम में डालकर खेलती हैं। गंगा ने कहा कि वो 6 भाई बहन हैं। उसके सबसे बड़े भाई ने सॉफ्ट बॉल खेलना छोड़ा था, जो उसके प्रेरणा स्रोत हैं। साथ ही उसकी 2 बहनें भी सॉफ्ट बॉल खेलती हैं और गंगा के पिता ऑटो चालक हैं। इन परिस्थितियों में भी गंगा सोना सॉफ्ट बॉल खेल रही हैं और प्रदेश का नाम ऊंचा कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, रायपुर का एक छोटा सा तंग गलियों भरा मोहल्ला कुकुरबेड़ा, जहां से निकली एक नेशनल प्लेयर। नेशनल के बाद अब छोटी गलियों से लेके बड़ा फील्ड और अब चीन का मैदान। इस वक्त हमारे साथ है सॉफ्टबॉल प्लेयर गंगा सोना जी। सिलेक्शन हो चुका है आपका, पहले तो बहुत बहुत बधाई। अब आप चीन में परफॉर्म करने वाली हैं, कैसा रहा ये सफर यहाँ तक का? मैम, यहाँ तक का सफर थोड़ा मुश्किल था पर अच्छा था। थोड़ा मेहनत लगा पर यहाँ तक आने में थोड़े थोड़े मुश्किल आई, पर अब ठीक लग रहा है पहुँचने के बाद। सफर यहाँ तक पहुँच तो गई हैं आप, मेहनत बहुत लगी जैसा कि आप बता रही हैं। छोटे से जगह से इतना बड़ा कैनवास, इसको हम मिलना कहते हैं, कि आपको एक छोटे से जगह से बड़ा ग्राउंड मिला जहाँ पर अब आप देश के लिए परफॉर्म करेंगी, क्या वो मुश्किलें रहीं और क्या मोटिवेशन रहा आपका? मैम, मुश्किल तो यहाँ छोटे से बस्ती में रहती हूँ मैं, तो मुश्किल हमको ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ा, क्योंकि हमें यहाँ देखने मिला कि हमारे भैया जाते थे खेलने, तो हमको सपोर्ट किए भैया कि तुम खेलो आगे बढ़ो। फिर हमारे कोच ओपी शर्मा सर जी या भूपेंद्र साहू जी हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किए कि तुम खेलो, हम तुमको आगे बढ़ाएंगे, तो हमें कोई दिक्कतें नहीं आई। तो सारी बाधाओं को पार करके फिर आपने खेलना चालू किया वापस, लगातार जो आपके कोच हैं वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं, साथ में और भी प्लेयर होंगे। तो अभी तक इंडिया में जो चीजें चल रही है, परफॉर्मेंस लेवल चल रहा है, वहां से उठ के अब आप चीन के लिए जा रही हैं, वहां पर आप इंडिया को प्रेजेंट करेंगी, अब की कैसी तैयारी है? मैम, हमारी तैयारी तो सुबह हमारी मॉर्निंग में होती है प्रैक्टिस, सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक हमारी प्रैक्टिस होती है, और उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं। फिर 12 से 5 हमारा स्कूल रहता है, फिर 5:30 से फिर ग्राउंड में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, 6:30-7 बज जाते हैं, फिर आते हैं, फिर थक जाते हैं उतना, फिर खाना वाना खा के फिर सो जाते हैं, फिर दोबारा सुबह वही रूटीन चालू हो जाता है। तो जब आप प्रदेश को प्रेजेंट करने बाहर निकली प्रदेश से, तब कैसा क्या अनुभव रहा? मैम, बाहर जाओ तो एक अलग ही खुशी रहती है, पर लोग जानने लग जाते हैं कि ये लड़की बाहर जा रही है, ऐसा खेल सकती है ऐसा, फिर लोगों को लगता है कि हम भी खेल सकते हैं, तो मेरे को लगता है कि लोग मेरे को देख के खेलना चाहेंगे। और वहीं पर गंगा, मेरा एक सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इन खेलों में जब आप तो अब इंटरनेशनल लेवल पर आ चुकी हैं, तो इन खेलों की जब हम बात करते हैं तो बहुत बार लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं घर के फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो, आर्थिक स्थिति कई बार बैरियर बन जाती है, क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, क्या परिस्थितियाँ थी वो? मैम, थोड़ी दिक्कतें तो आती थी क्योंकि नेशनल्स में सिलेक्शन होते थे, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती थी कि दोनों बहन खेलते हैं हम, तो हमको दोनों बहन को भेजना है, तो घर वाले को थोड़ी दिक्कतें आती थी, पर भैया, मेरे बड़े भैया सॉफ्टबॉल खेलते थे, वो जानते हैं कैसे दिक्कतें आती है, तो वो हमको अपने करियर को बढ़ा, हमारे करियर को बढ़ने के लिए वो हमको सपोर्ट किए कि मैं वो नहीं खेल पाए आगे, तो हम दोनों बहन को वो आगे खिलाने के लिए जैसे भी करके मैनेज कर लेते हैं। तो बड़े भैया हैं जो घर में जैसे भी करके मैनेज कर लेते हैं, पर ये जैसे भी वाली जो कहानी है वो प्रदेश में ही नहीं देश में कई बार देखने को मिलती है, लेकिन कोशिश यही है देश की कि ऐसी बेटियों को और प्रोत्साहन मिले जो देश का नाम आगे रोशन करें। अब देखने वाली बात यही होगी कि चीन में लगभग सितंबर में ये जो कॉम्पिटिशन है वो होना है, देश को प्रेजेंट करेंगी, प्रेजेंट करने जा रही है हमारे अपने रायपुर की बेटी गंगा सोना जो है वो। गेम बहुत अच्छा हो, ये हम सभी कामना करते हैं। कैमरा पर्सन गणेश के साथ स्वाति कौशिक, स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से।